के वहाँ से हम लोग को एल्बम आया था वो है और यहाँ पे जो है ये ब्लैक एंड वाइट प्योर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है सो तो ये मुझे फ़र्क दिखा यहाँ पर जो है अगर आप रेड देखोगे और यहाँ का जो आप रेड देखोगे तो ये रेड थोड़ा सा डार्क मरून रेड और ऑरेंजिश और रेड हुआ करता है और इसका जो रेड है अगर आप कंपेयर करिए ये देखिए और जैसे ही आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो ये ब्राइट ब्लड रेड हो रहा था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है राइट ऐसा ब्राइट ब्लड रेड नहीं मिलता था हेलो एवरीवन सो एज यू कैन सी कि आज जो है आपको प्रिंटिंग एल्बम डिज़ाइन एल्बम की जो आप प्रिंट करवाते हो फोटो प्रिंटिंग करवाते हो उसके बारे में आप बहुत सारा नॉलेज लेने वाले हो क्योंकि आज जो है हम लोग दुलारी डिजिटल में आए हैं बाय द वे हम लोग यूजुअली तो मुंबई टू मुंबई ही प्रिंटिंग करवाते थे पर मुझे एक जन का रेफरेंस आया कि आप जो है लुधियाना तो जाके ये पूरी जो है आप प्रिंटिंग करवा सकते हो जो बहुत ही अच्छे लेवल पे करते हैं तो आई थॉट क्यों नहीं और मेरे थ्रू ऑफकोर्स आप लोग भी जान जाओगे सो so इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं एंड यहां पर जो है हम लोग आपको जैसे अलग अलग प्रिंटिंग कैसे होती है प्रिंटिंग की क्वालिटी कैसी होती है साथ ही साथ जो उसके कवर्स होते हैं ठीक है ठीके? अलग अलग जो आप प्रिंट करवाते हो अलग अलग जो उसके कवर होते हैं उसके बारे में आप काफी डिटेल में जानने वाले हो ओके एंड एज फोटोग्राफर्स हम लोग सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी की एल्बम नहीं

टाइम टू टाइम आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं बहुत सारी वेराइटी चाहिए होती है जिसमें आप ये प्रिंटिंग प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो सो so, आज हम यहाँ पे आए हैं और यही चीज को नोटिस और समझने के लिए आए हैं। हमारे साथ दिशांत है आप जो है हमें हेल्प करने वाले हो हाय। सो so, आपका ये जो कंपनी है हम तो यहाँ पे रेफरेंस से आए हैं वी वुड लाइक टू नो कि देखो हम यूजुअली मुंबई टू मुंबई प्रेफर करते हैं पर अभी आपका यहाँ पे लुधियाना है तो क्यों मतलब हमें रेफरेंस मिला ऑन द फर्स्ट प्लेस आपकी हम अगर आप पे ट्रस्ट करते तो कौन से बेसिस पे करें सबसे पहले मैं मैं आपको बता दू हमारी जो कंपनी है दुलारी डिजिटल ये तीस साल पुरानी कंपनी है अच्छा जी हमारा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी काम है वो डिलीवर होता है हमारे पास मतलब आप देखोगे जितनी भी यहाँ पे वरायटी पड़ी है वो टोटली जितनी भी और अदर लैब्स है सबसे डिफरेंट है चाहे वुडन में वुडन सीरीज है चाहे चाहे लेदर्स के कवर्स हैं कुछ भी है एट के प्रिंटिंग अभी जो चल रहा है वो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हमारे पास है एट के प्रिंटिंग एट के प्रिंटिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा उसको अच्छा जी तो ऐसा तो क्या ही डिफरेंट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग एल्बम लेके आते ही रहते हैं जी, अगर जी। आप कोई एग्जीबिशन में भी जाओगे हम श्योर आपको पांच से सात या मे बी दस एल्बम वाले मिल जाएंगे जो यू नो ये सारी चीजें की वेराइटी लेके आ जाएंगे तो आपके पास क्या डिफरेंट होगा आइए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता रहा ये जितनी भी कलेक्शन है ये सारी मेरी रॉयल कलेक्शन है

जितने भी एल्बम वाले को अभी तक मैं मिली हूँ वो लोग यही बोलते हैं कि जैसे कि ये वाली है ठीक है यहाँ पे लिखा है रोहन और प्रिया अभी ये जो है रेडी है ठीक है ये कलर रेडी है सब रेडी है सिर्फ नाम बदलते हैं यहाँ पे नहीं हम क्या करते हैं कस्टमर को हमारा कैटलॉग बना हुआ पी डी एफ है हाँ। तो उसमें डिफरेंट डिजाइन है हाँ तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लाइंट बोलता है कि हमारे को ये डिज़ाइन चाहिए तो वो हम रेडी करते हैं ये सारे जो बैक्टर पड़े हुए हैं हाँ। ना ये हम हैंडमेड रेडी करते हैं उसी टाइम अच्छा। क्लाइंट बोलता है कि हमारे को यहाँ पे ये चेंज करके ऐसे डिज़ाइन करवाना है है ना गोल्ड हाँ। कम चाहिए या फिर हाँ। ये जो अपना स्पॉट बने हुए ये कम चाहिए हाँ। तो इसको कम ज़्यादा करना वो सब हम ऑन दी स्पॉट वो सब रेडी करते हैं एज अ फोटोग्राफर हम अभी तक तो सिर्फ एल्बम डिज़ाइन कर रहे थे प्रिंटर वाले के पास जो भी है पड़ा है वो लेके बनवा लिया छपवा लिया और वो क्या है तुम्हारे पास भी वो मिलेगा सामने वाले दो आंटी दो गली छोड़ के एक इसी ने एल्बम बनाए उसके पास भी वही एल्बम है यहाँ पे हम हमारा कवर भी डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है ये कोई छोटी बात नहीं है कि अभी तक आप एल्बम डिज़ाइन कर रहे थे फिर कवर भी तो अगर आप थोड़े अच्छे लेवल पर सोचो जो बड़े लेवल पर सोचते हो ना अगर हाँ तुम्हें यही छापना जो दूसरे लोग छाप रहे तो ठीक है पर अगर थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर सोचो तो आप पूरा का पूरा लेदर फिर उसकी फॉयलिंग फिर उसके ऊपर कौन सी डिज़ाइन होगी कौन से फॉन्ट हो आप ना एल्बम की प्रिंटिंग में क्रिएट कर रहे हो जो काफी जैसे क्लाइंट पूरा एल्बम रेडी करता है तो साथ को उसको रेडी करना पड़ता है हाँ, ना? तो इसमें एक चीज फोटोग्राफर को ये आसानी मिल जाएगी कि ये जो कवर है ना ये उसको कुछ नहीं रेडी करना अगर नहीं करना है तो फिर वो यहाँ से वो सिर्फ फोटोज दे सकते है जो एल्बम है बाकी सारा काम हमारा है ये सब हमने डिजाइन करना है अच्छा सिर्फ उन्होंने पीडीएफ में से हमारे को एक कलेक्शन का नंबर बताना है कि भैया छोटा मोटा जो जी बिल्कुल। शूट रहेगा तो ये भी देखो अच्छा लगता है ये एल्बम यहाँ पे ठीक है इसमें भी आप लोग कलर सिलेक्ट कर सकते इसमें भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो ये सिंगल कलर में भी बन जाएगा हाँ ये वैसे ये आ, टू कलर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसमें दो कलर का।, का अच्छा ये वाला ये देखो ना अच्छा, ये दो हा, कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें हा, आप, हा, आप सिंगल कलर में भी बनवा सकते हो जी, जी, जी ये वाला भी देखो ये पार्थ को बहुत पसंद आया ठीक है यहाँ पे जो है जो कॉफी टेबल बुक आजकल बहुत सारे क्लाइंट देते हैं जैसे कि आपने कैंडिडेड फोटोग्राफी की है और आप एक साइड एक ही फोटो डालते हो दूसरी साइड दूसरे, दूसरे फ़ोटो डालते हो या तो फिर पूरे के पूरे, पूरे पेज में सिर्फ एक फ़ोटो डालते हो काफ़ी सारे क्लाइंट्स कॉफी टेबल बुक मांग रहे हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए भी इनका पास कवर है जो ग्लास जैसा है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लग रहा है ये देखो ये वाले जो एल्बम है ये कितनी लंबी है है ना ये कौन से साइज की है बारह बाय छत्तीस की है ये काफ़ी लंबा वाला है यूजुअली हमारा साइज़ ऐसा ही रहता है पर ये वाला देखो यहाँ पे अगर हम खोल के देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर है मिनी, मिनी बुक है और पूरा एल्बम यहाँ पे आ जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा रिच बड़ा लगता है अभी आपका ये कलेक्शन है ठीक है तो कोई भी फोटोग्राफर ना कोपअप नहीं कर पाता कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा तो जैसे एल्बम में कुछ नया आता है या प्रिंटिंग में कुछ नया आता है आप कैसे उनको इन्फॉर्म करते जाते हो वो हमारी मैम एक सेल्स टीम है पूरी हाँ. तो उनके पास सारा डाटा होता है ठीक हाँ. है तो उनको साथ साथ जो भी नया लॉन्च होगा हमारी कंपनी जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है चाहे हाँ. वो प्रिंटिंग के रिगार्डिंग चाहे वो एल्बम्स के कवर्स हैं कुछ भी है वो साथ साथ कोऑर्डिनेट करके उनको सेंड करेंगे उनको फॉलोअप करेंगे अभी आप देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने एंग्रेविंग की है ना तो वुडन जिसको वुडन में इंटरेस्ट है अभी तक ये लेदर दिखा रहे थे अभी इन्होंने वुडन दिखाई तो वुडन के अंदर आप जो है आपका ऐसा एल्बम रख सकते हो ठीक है और ये भी हो गया और अगर आपको ये वाला वुड नहीं चाहिए ऐसा वाला ब्राउन वुड चाहिए तो आप यहाँ पे देखो ऐसा गोल्डन और ब्राउन और वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो तो कितना ही इंटरेस्टिंग लगेगा है ना मतलब हर बार आपको सबको लेदर ही देने की जरूरत नहीं है आप वुड भी प्रेफर कर सकते हो और इसी में जो लाइट कलर का वुड है वो भी है तो वुड में कौन से कौन से शेड्स होते हैं मतलब लाइट ये और तीन और ब्लैक जी बिल्कुल

पर इसमें आप कैसे करोगे कस्टम एक्रेलिक मैम हम हमारे पास हम प्रोवाइड करवाते हैं एक्रेलिक भी मतलब भी वैरायटी है हमारे पास आप वो भी देते हो जी बिल्कुल जैसे कि ब्राउन एक्रेलिक रहते हैं रेड तो सारे बिल्कुल, आपके बिल्कुल, पास ऑप्शन तो ये मेरे को नया लगा यूजुअली ये लोगों के पास नहीं होता अभी तक जो मैंने एक्रेलिक देखे हैं तो एक्रेलिक में भी कैसा है कि वाइट ही रहता रहता आपने हाँ, वाइट शीट जो रखा जैसे वो पहले आपने दिखाया था ना जी, जी। वैसा पर ब्लैक में भी आपके पास बहुत सारे कलर है वो आप नहीं बात है कितने कलर रहेंगे अंदाज से आपके पास इसमें भी चार पाँच कलर है हमारे पास अच्छा जी बिल्कुल पर फिर उसके ऊपर आप कौन सा कलर सिलेक्ट करते अच्छा ये भी किया हुआ है ये भी हम क्या करते हैं जो जिस कलर का क्रेलिक होगा उसके साथ मैचिंग करके उसके नाम एम्बोज करेंगे अच्छा चाहे लेदर पे हो चाहे क्रेलिक पे हो चाहे वुडन पे हो अच्छा जो नाम एम्बोज होंगे या ग्रे होंगे वो मैचिंग करके होंगे हाँ ये, ये में आ गया मैम हाँ ये अच्छा है देखो ये कपड़ा बहुत ही अलग है जो सूट का कपड़ा पहना है ना मैंने वही सूट का कपड़ा है तो ये इसमें आपके पास कौन से कौन से का? ये बहुत ही रॉयल लगता है ना प्रीमियम लगता है लोगों को ये देखिए ये जो है पूरा कपड़े का है ठीक है और ये है वेलवेट टच का है। में। तो फिर इसमें आपके पास कौन से कलर होते हैं इसमें भी हमारे पास पांच से छह कलर हैं

ये भी आपका तो कटआउट अच्छा है कटआउट करके एक इसमें फ़ोटो डाला जब आप इतना थोड़ा सा भी कोई क्लाइंट को यूनिक दे देते हो ना तो क्लाइंट को बहुत यूनिक लगता है देखो उनको लिए क्या है कि अगर आपने एक फ़ोटो डाला तो ठीक है पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ नया भी देख लिया उनको लगता है अच्छा वाह हमारे चार फोटो आए हैं सो अभी यहाँ पे हमारे पास और एक एल्बम है जो बहुत ही जंबो साइज़ का है इसका साइज़ क्या होगा अंदाज से ये स्टैंडर्ड साइज़ है ये भी बारह छत्तीस का लेकिन इसके अंदर मिनी बुक और कैलेंडर दोनों इंक्लूड रहेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि ट्रायंगल शेप में है और ये ऐसे खुल गया और बाकी अगर आप किसी भी लैब का कवर देखोगे ऐसा क्या हुआ है उन्होंने एक एल्बम बॉक्स बना हुआ है उस हाँ? उसके ऊपर ही मिनी बुक और कैलेंडर रख देते हैं हाँ? हमने इसको डिफरेंट अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ हाँ? हाँ? है मिनी बुक अलग रहेगा कैलेंडर इधर आएगा एल्बम का सेक्शन अलग रहेगा अच्छा जी बिल्कुल नहीं पर देखो ये जो है ना ये जो सारे एल्बम रहते हैं ना ऐसे वाले एल्बम या ऐसे वाला एल्बम जो इतना बड़े साइज़ के रहते हैं वो जो हमारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा बड़े घर में भी रहते हैं ठीक है अगर आप वन बी के में रहते हो या टू बी एच जो मुंबई वाले रिलेट कर सकते हैं यहाँ के लोग तो के स्पेस बड़ी होती है जो वन बी एच के टू बी के में रोने वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे अरे इतना बड़ा एल्बम मैं कहाँ पर रखेंगे ठीक है तो वो आपको सोचना पड़ेगा आप कौन से क्लाइंटल के साथ डील कर रहे हो अगर आपके वहाँ पर कोई बंगले वाला क्लाइंट आता है ठीक है बंगला शायद नॉर्थ इंडिया में कॉमन हो पर मुंबई में ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं होती है ठीक है तो बंगले वाले क्लाइंट को यही चलेगा कि ठीक है हमें बड़ा एल्बम दो हमारे पास तो बड़ा जगह है हम आराम से रख सकते हैं तो ये सारी जगह पर आप ये सारा चीज़ ले सकते हो और दे सकते हो ठीक है यहाँ पे एक ऑप्शन और प्रोवाइड करवा सकते हैं हम अगर किसी को जैसे आपने बोला कि स्पेस कम है किसी हाँ, के पास है ना हाँ, तो ज्यादा बड़ा, हाँ। बड़ा एल्बम नहीं चलता हाँ। तो उसके लिए हमारे पास सिंगल एल्बम के लिए भी है अच्छा, तो वुडन में सेम वही रहेगा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है है हार्ड डिस्क और जो जगह वो आपने काट दिया इसमें बिल्कुल सिंगल एल्बम आ जाएगा और साथ में सेम बैग रहेगा इसका मतलब बैग आप जितने भी कवर देखोगे बैग की जो क्वालिटी है वो सबसे प्रीमियम बैग है तो ये क्या है आपका ये सारा मैम हमारा है जो बेबी शूट होते हैं ना तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा यूजुअली बेबी शूट के लिए या तो पिंक या तो ब्लू या तो वाइट कवर लो और छोटा एल्बम बना के दे देते हैं और ये बहुत ही क्यूट सा एल्बम दिया है देखो ऐसा क्यूट प्रिंसेस अश्मिता ये सारा गोल्ड फोलिंग से ऊपर नेम है बच्चों के लिए एल्बम और ये दूध की बोतल उसके ऊपर भी उन्होंने किया है और अच्छा। ये लड़का खुद हमारी जो टीम है वो खुद डिजाइन करती है पहले बताया कि सिर्फ एक नंबर बताना है की ये भाई हमारे को ये कवर चाहिए बाकी काम सारा हमारा हैल्बम देखो यहाँ पे टॉय ट्रेन चल रही है मिकी माउस है तो ये कार्टून कैरेक्टर कस्टमाइज है बिल्कुल ये सारे तो कस्टमाइज ही ये है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जैसे मेरी एक छोटी बहन है उसका अभी बर्थडे गया था तो हम लोग ने उसको नॉर्मली एल्बम बना के दिया था ठीक है पर यहाँ पे क्या होता है उसको मिनी माउस पसंद है तो आपने मिनी माउस के वो लोग जैसे आप मिनी माउस कैरेक्टर्स बुलाते हो तो आपने यहाँ पे मिनी माउस कर दिया और यहाँ पे उसका बर्थडे लिख दिया या हम चाहे ना तो भी उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं ये सारे चीज़ें प्रिंटर वालों के हाथ में ही होता है वी के नॉट डिज़ाइन कि हम लोग यहाँ पे जो है ये चिपका दो वो चिपका दो क्या एल्बम आने के बाद चिपकाने थोड़ी बैठे वाले हैं तो ये सारी अगर ऑलरेडी किसी ने सोच के रखी है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और उतने ही बजट में आपका ज्यादा अच्छा काम हो जाता है तो यहाँ पर सब कुछ छोटा भीम चाहिए पोकी मॉन चाहिए सारी चीजें सारी चीज़ प्रोवाइड करवा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ठीक है आप ये ये करते हो ठीक है मैंने अभी यहाँ पे प्री वेडिंग की फोटोज देखे हम हमारा कंपनी नाम है वेडिंग स्टोरी टेलर्स जहाँ पे हम वेडिंग स्टोरीज़ बनाते हैं हम शॉक बहुत सारे लोग अब वेडिंग स्टोरीज़ बनाते हैं हम कैसे प्री वेडिंग में एक वो जैसे कि लड़का डॉक्टर है लड़की डॉक्टर नहीं है ठीक है तो हम वैसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं आप वो सारे कॉन्सेप्ट अपने एल्बम के ऊपर भी बना सकते हैं सो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ना अगर आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा डॉक्टर वाला भी वाइब क्रिएट करना चाहते हो और वैसा एल्बम बनाया तो आपका कवर पैड भी स्टोरी टेलिंग हो गया बाय द वे ये सारे आइडियाज़ मैं आपको फ्री फंड में दे रही हूँ ठीक है अभी यहाँ पे देखो ये क्या है बेबी शावर का है जहाँ पे मॉम डैड वो जो सारे लोग हाथ में पकड़ के खड़े रहते हैं ना वो वो प्रॉप्स भी इन्होंने पे बनाया है तो बैचलर पार्टी में आ, उस टाइप का रहेगा बिल्कुल बैचलर हाँ। बिल्कुल तो ये बहुत ही जैसे थीम क्लाइंट बोलेगा कि एल्बम मेरे को ऐसा कवर चाहिए तो सेम वैसा ही हम करके देंगे यार आपका कस्टमाइजेशन ना मेरा मन खुश कर दिया मुझे तो लगा था बस और एक एल्बम वाले होंगे पर ये आपका कस्टमाइजेशन का मुझे बहुत पसंद आया जो लोग नहीं देते हैं जो आप दे पा रहे हो आपको तकलीफ नहीं होती इतना सारा कस्टमाइजेशन जब आता है कैसे हैंडल कर लेते हो टीम है मैम हमारी हमारी पूरी कितने लोग टीम टीम हैं जो कवर्स रेडी रेडी करते ओनली कवर करने लड़के दस से लड़कों की टीम है अच्छा तो वो दो बिल्कुल, पूरा आपका वार्डरोब बन गया जी बिल्कुल है। ये एल्बम आया दूसरा एल्बम यहां पे आया ठीक है इसमें मेरे पास और भी चॉइस है आप ये संगीत का एलबम यह वेडिंग का एल्बम ठीक है पर अगर मैं चाहूँ चलो कि आपने तो यहाँ पे दो एल्बम रखा मेरे पास थेक। थेक। तीन एल्बम है जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपका रीसेंट रीसेंट में बोल रही हूँ ठीक है मैंने एक शादी का काम किया था फेब्रुवरी में और उसके ही दो भाइयों की शादी एक ही दिन में उन्होंने की सुबह को एक भाई की शादी शाम को दूसरे भाई की शादी और बहन की शादी हुई अब वो हो गई मेहता फैमिली ठीक है तीनों बच्चों की शादी एक ही साल में निपटा दी अब ये तीनों बच्चों की शादी के मैं उनको तीन अलग पेटियाँ दूंगी या तीन अलग ऐसे बॉक्स देती हूँ ना तो उनको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि उनके लिए कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने अपने दोनों तीनों बच्चों की शादी हाँ जो बचपन से ज्वाइंट फैमिली थी दस जन की तो तीनों बच्चों की शादी हमने एक साथ करवाई है उनके लिए प्राइड की बात है जी तो आपके पास ऐसा कुछ है जब जहाँ पे आप चार चार पाँच पाँच एल्बम एक ही ऐसा ही हम लोग ने उनका घर बड़ा है ज्वाइंट फैमिली है बड़ा घर है तो वहाँ पर उन्होंने रख दिया उनका काम हो गया बिल्कुल वो भी है आइए मैपर आपको वो भी दिखा देता हूँ तो ये जो जुड़वा लोग शादी करते हैं पता है एक ही दिन में दो जुड़वा की शादी ऐसी सारी भी बहुत सारी चीजें होती है हमारे सब तो काफी बार हुई है अच्छा ये वुडन में है पहले आपने वो लेदर में देखा था हाँ हाँ। ये वुडन में, अच्छा में है बोल रहा हूँ अच्छा ये वुडन ये वुडन में पूरा वुड का बना हुआ है जी बिल्कुल वाह तो इसमें चाहू में इतने अच्छा ऐसे जैसे इसमें चार है इसमें इसमें भी चार कर सकते हैं जी बिल्कुल तो पहला भाई दूसरा भाई बहन और बहन के पति का एल्बम चारों का एल्बम और यहाँ पे अगर मैं लिखवा मेहता फैमिली जी बिल्कुल वो तो सारा पूरा का, का पूरा उनका वोटड्रॉप बन गया तो so, अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने ये वुडन का मुने को पूरा केस दिखाया मैंने तो कुछ कॉन्सेप्ट सोचे है जैसे यहाँ पे आपका ये एक एल्बम हुआ दूसरा एल्बम यहाँ पे हुआ ठीक है यहाँ जो आपने अच्छा, पहले देखा था वो लेदर में देखा था हाँ। ये जो बना हुआ है ये वुडन में है वुड वुड में बना हुआ का क्वालिटी अच्छा है आपका आप फिनिशिंग दे सकते हो इसकी कॉर्नर साइड से या हाँ। कुछ मतलब सेंटर में से फूटा फूटा जी है बिल्कुल तो यहाँ पे भी मिनी बुक आ गई यहाँ पे भी आप जो डालना चाहो डाल सकते हो और यहाँ पे आपका एल्बम अरे सॉरी पेन ड्राइव का पूरा केस आ गया पेन ड्राइव केस इसमें इसमें कुछ कस्टमाइजेशन है या, या ये भी इसमें भी कस्टमाइज करवा सकते हो आप जैसे पहले हाँ। तो आपने बोला कि दो एल्बम के लिए या सिंगल एल्बम के लिए चाहिए हाँ। वो भी रेडी हो जाएगा और एज फोटोग्राफर्स भी आप अपना एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो जब आप जो है ऐसा प्रेजेंटेशन क्लाइंट के सामने रखते हो तो उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आता है आपका देखने में कि अच्छा कुछ बाहरी और बड़ा दिखाया है और यही नहीं यहाँ पे देखो फोटो भी वॉड्रॉप के ऊपर पॉसिबल है तो आप ऐसा फोटो भी रख सकते हो अच्छा इसमें भी सारे वुड के ऑप्शन है आपके बिल्कुल, पास कलर से वाइट है ब्राउन है फिर वहां पर डार्क ब्राउन है ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है अच्छी बात है ये है कि ये टूटता फूटता नहीं है मैंने ये देखा कि इसके ये जिस हिसाब से कि क्या होता है ना कभी कभी हम खोलते हैं और हाथ में हैंडल आ जाता है गुल, 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 गुल। तो वो सारा इशू यहाँ पे नहीं है ठीक है अभी वो क्या है वहाँ पे आपका अच्छा इसके ऊपर देखो यहाँ पर भी फ़ोटो उन्होंने डाला है और डायमंड का ये ये लेदर का बना हुआ है और ये डायमंड का ये है ये भी अच्छा लग रहा है ये देखो यहाँ पे ये कैनवस प्रिंटिंग है काफ़ी लाइट वेट है बिल्कुल मैम ठीक है तो ये काफ़ी देखो अच्छा लग रहा है कैनवस प्रिंटिंग अगर आपने कोई ऐसा फोटो भी खींचा है जिसमें जिसको उनको एकदम पेंटिंग जैसा फीलिंग देना है ठीक है फोटो है पर एकदम फोटो फ्रेम की तरह नहीं पेंटिंग जैसा और लाइट वेट कोई फोटो रखनी है कि तो कितना आसानी से वो रख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बार आजकल लोग जो है कार्टून आर्ट देखो ये भी बहुत ही अच्छी आइडिया दे रही हूँ मैं आपको कार्टून आर्ट करवा सकते हो आप कपल का और ये फ़ोटो वो जो है अपने वॉल पे लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर भी जो है ना कार्टून आर्ट सा आप समझते हो वो आपको फोटोशॉप में वो इफ़ेक्ट मिल जाएगी तो ये भी चीज़ आप ऐसे टंगा सकते हो और साथ ही साथ इसमें इसमें भी आप कुछ एम्बोजिंग कर सकते हो क्या इसमें एम्बोजिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें आप कल अपना

भी इतना बड़ा है तो क्या दो दो एल्बम के लिए ये दो एल्बम के लिए भी रख सकते हो या कई बार एल्बम हैवी होता है तो उसके लिए भी ए ए ए एक ड्रॉ में एक एल्बम आ सकती है अगर एल्बम हैवी है तो अच्छा जी बिल्कुल अगर देखो बारह बाई तीस का पच्चीस तीस प्रिंट का एक एल्बम है तो इसमें दो एलबम आ जाएगा इसमें दो एल्बम इसमें दो एल्बम चार एल्बम रख सकते हो एक बॉक्स में सिंगल एल्बम के लिए चाहिए वो भी रेडी हो जाएगा माँजा ओके तो देखो यहाँ पे और भी आइडियाज़ है यहाँ पे उन्होंने क्लॉक बनाई है एक्रेलिक शीट पे फ़ोटो डाल के क्लॉक बनाई है जब शादी नहीं नहीं होती ना तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि उनको फ़ोटो वाला एक फ्रेम मिल गया पर फोटो वाला क्लॉक मिल गया तो वो भी अच्छा लगेगा देखो ये सारी चीज़ें ना आपको समझ नहीं है ये भी एक बहुत ही अच्छी है मैं आइडिया दे रही हूँ जब आप क्लाइंट को डिलीवर देते हो लोग क्या करते हैं इतना सारा डिलीवर करने बैठ जाते हैं कि उनको क्लाइंट को ओवर लगता है कि ठीक है हमको तो इतना सस्ते में बहुत सारा चीज़ मिल गया आपको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया पर आपको बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है ठीक है आप वही दो जो अभी तक आप दे रहे हो जो लिख के दिया ना उतना ही डिलीवर करो ज़्यादा एक्स्ट्रा डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है पर जो दे रहे हो उसको ज़्यादा अच्छे से देने की ट्राई करो वो मेन होता है यूजुअली हम क्या करते हैं चार एल्बम में आठ एल्बम दे दूंगा। पर वो ज़रूरत नहीं था चार एल्बम भी आप बड़े ही शान से दोगे तो आपका ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट होगा एक बात आप वो समझो दूसरा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती उनको देने के लिए थोड़ी सी एग्जीक्यूशन अगर हुई हमारी प्रिंटिंग वालों के साथ अच्छी हो जैसे क्लॉक बना दिया फ्रेम बना दिया मग बना दिया जो इनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ये भी आपका एक इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करता है ओ वाओ हमें जैसे मैंने एक क्लाइंट को दिया था ठीक है मैं वो एल्बम कलेक्ट करने आए मैंने उनको कुछ नहीं बोला था मैंने उनके साथ उनको कैलेंडर दिया था वाओ हमें कैलेंडर मिला शायद उनको एल्बम से ज़्यादा कैलेंडर की वैल्यू हो गई क्योंकि उनको वो फ्री में मिल रहा था टू बी ऑनेस्ट कोई चीज़ लाइफ में फ्री में नहीं होती है आप इंक्लूड करके बजट में ही बात करते हो पर ये सारी चीजें आपको बाद में क्लाइंट को बोलना है कि देखो मैं आपको ना ये चीज़ बाद में आपने उनको दे दी उनके माइंड में जाएगा जैसे ये क्लॉक है क्या एवरेज की एक क्लॉक रहेगी एक हजार बारह सौ के करीब आता है और है। अपना कोरियर चार्ज इसके एक्स्ट्रा रहेंगे ठीक है तो so, ये देखो हज़ार बारह सौ के आसपास आपको ये आपको ये मिल जाएगी क्लॉक मिल जाएगी ठीक है वैसे भी आप क्लॉक लेने को जाओगे तो उतनी महंगी तो होगी पर ये फ़ोटो वाली पूरी क्लॉक आ जाएगी तो दे विल बी वेरी मच हैप्पी कि उनको ये मिला है आपके तीन चार लाख के बजट में या दो चार लाख के बजट में वो एक हज़ार वाला ना उनके माइंड में रोज़ अब वो उठेंगे उनको वो क्लॉक दिखेगा आपको माइंड में इसमें स्टूडियो वाला अपनी ब्रांडिंग भी करवा सकता है अच्छा जी बिल्कुल इसमें लोगो भी अपना वो ब्रांड करवा सकता है साथ में ऊपर क्लाइंट की फोटोज आ जाएंगी एक साइड पे ब्रांडिंग हो जाएगी तो सुबह को जब क्लाइंट उठेगा रोज सुबह को वो फोटोग्राफर का नाम देखेगा वो ये देखो ये रिकलेक्शन वाला वैल्यू रहता है थोड़े से अरने के बाद ना फोटोग्राफर को लोग भूल जाते हैं जैसे ही काम ख़त्म होता है ना शादी का फिर तू कौन मैं कौन वो हर घर में होता है ऐसा नहीं है कि उनको आपके साथ रिलेशन नहीं रखना पर यही रहता है ना जब जब जिसकी ज़रूरत होती है तब तक आप उनको याद रखोगे तो ऐसे करके ना जब भी उनके घर में शादी होगी वो रिकमेंड करें या ना करें जो भी उनके घर पर जाएगा वो आपका नाम कहीं पर देखेगा और वो आपको कॉल कर लेगा ठीक है तो यहाँ पर आपके मगज हो गए ये आपकी फ़ोटो फ्रेम है और ये, ये क्या है ये कवर है मैम ये आपने जितने भी हमारे देखे हैं पहले हाँ। ये टोटली डिफरेंट अच्छा। अच्छा, लगा मुझे यूजुअली ये होता ही नहीं किसी ये में भी देखिए आप जो कवर का लेदर्स का कलर है उसके अकॉर्डिंग इसकी मैचिंग की हुई की कलर थीम बना के रखा है आपने ये डूबल कलर में है ठीक है कॉम्बिनेशन अच्छा है इसका मतलब डिफरेंट है सब तो फिनिशिंग प्रोडक्ट की आपको बहुत ज्यादा मिलेगी आपको देखने में इसके अलावा अगर कई बार कस्टमर बोलता है कि मेरे को सिर्फ लाइट वेट कवर चाहिए ओनली हाँ। साथ में बॉक्स वगैरह नहीं चाहिए हाँ। तो उसके लिए भी हमारे पास ये गोल्ड रॉयल गोल्ड की कलेक्शन है जिसमें आपको ओनली हम कवर प्रोवाइड करवा सकते हैं ये देखिए जैसे अच्छा मतलब वो पूरा बैग ये सब जो ताम जामे वो नहीं करना ने, उनका बजट नहीं है उतना फिर भी इस इसके वजह से वो अच्छे लग सकते हैं हाँ, जैसे इसके फोटो के ऊपर एम्बॉसिंग की है देखो अभी तक हम जो देख रहे थे वो एल्बम के पेज के ऊपर जो एम्बॉसिंग था ना वो देख रहे थे यहाँ पे आप फोटो एल्बम के ऊपर एल्बम के कवर में एम्बॉसिंग होगी बिल्कुल अभी तक हमारे पास क्या था जो फर्स्ट पेज रहता है और जो लास्ट पेज रहता है वो दो ही पेज में पॉसिबल था एम्बॉसिंग करवाना एल्बम के अंदर और इसमें यहाँ पे एम्बॉसिंग हो गया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ठीक है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो इसमें से देखो ये ब्लू वाला भी काफ़ी अलग कलर है ये मजंटा भी अलग कलर है इसके साथ भी आपको एक लेदर बैग देंगे हम स्टैंडर्ड लेदर बैग है अच्छा, अच्छी क्वालिटी का अच्छा इसमें भी आप गोल्ड फॉलिंग सिल्वर भी करवा सकते हो ठीक है लेदर का कलर कस्टमाइज करवा सकते हो आप। अच्छा नाइनटी प्लस कलर है जैसे मैंने पहले बताया कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो ओके अच्छा। ये गोल्ड हमेशा ही ही ना रॉयल लुक क्रिएट कर देता है। गोल्ड में वो ताकत है कि वो ना कोई भी आपका और शादी वाला घर गोल्ड सिल्वर हुए कवर है अगर क्लाइंट बोलता है मैं जो नॉर्मल करता हूँ आपने गोल्ड एम्बोजिंग करवाना है वो भी हम कर देंगे बहुत ही अच्छा वैसे तो आपकी डिजाइन भी काफी अच्छी है कस्टमाइज करना वो भी एक फोटोग्राफर के लिए एक दिन का काम होता है भाई सोचना पड़ेगा आपकी ऑलरेडी रेडी है तो वो भी हमारे लिए अच्छा पॉइंट है पर अगर हमें हमारे कुछ नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो फेस को ही कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया वो भी, तो हो, सब भी सब हो, जा, हो जाएगा तो ये क्या है आपका ये जी बिल्कुल पहले जो कवर देखे थे तो ये कौन सा क्लाइंट जो संगीत रहता है वो लोग यूके लेके जाते हैं वेडिंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो हाँ। इसको जी बिल्कुल अच्छा हाँ, इसमें भी कुछ कस्टमाइज करवाना है आपने वो भी हो जाएगा अच्छा जी बिल्कुल मेरे को ये संगीत के हिसाब से अच्छा लगा संगीत का पूरा थीम बन गया ना इसमें ये भी अच्छा ये लगा कवर के ऊपर फॉइलिंग जी बिल्कुल ये जैसे

ये दिखाती हूँ ये हमारा डबल डेकर बॉक्स है ये अच्छा जी इसमें दो सेक्शन रहेंगे एक सेक्शन ऊपर आ जाएगा इसमें रहेगा मिनी बुक अपना कैलेंडर और ये पेन ड्राइव बॉक्स आ जाएगा यहाँ अच्छा जी बिल्कुल और इसके जो खांचे होते हैं वो भी हम हमारे हिसाब से कॉस्टमाइज कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा

जब आप फोटोग्राफी करते हो एज फोटोग्राफर ना हमारा एक स्टाइल होता है फ़ोटोग्राफी करने का ज़्यादातर लोग वर्टिकल शूट करते हैं कभी कभी लोग यू नो स्लीपिंग लाइक हॉरिज़ॉन्टली शूट करते हैं और काफ़ी बार लोगों को ना आड़ा शूट करने की आदत होती है हर फोटोग्राफर अपने हिसाब से चलता है हर एडिटर फिर अपने हिसाब से चलता है और हर फोटोग्राफर का कंपोजिशन स्टाइल अलग होता है मैंने काफ़ी फोटोग्राफर्स को देखा है वाइड में शूट करते हैं सब्जेक्ट छोटा दिखता है काफ़ी फोटोग्राफर्स क्लोजअप ज़्यादा कैप्चर करते हैं तो उस हिसाब से आपको जो है आपकी साइज भी डिसाइड करनी होती है ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड आप बारह तीस बारह तीस बारह तीस दे रहे हो जो बारह तीस मेरे लिए वर्कआउट करे शायद आपके लिए बारह छत्तीस मेन हो काफ़ी बार जो लोग हैं वो कॉफी टेबल बुक के चक्कर में जो है नाइन बाई ट्वेंटी फ़ोर ऐसी साइज़ लेते हैं जो काफ़ी यूनिक होती है आप सारी साइजेस प्रोवाइड करते है। हैं बिल्कुल मैम ये बहुत सारे अगर आपको प्रिंटर वाले ने लिमिट कर दिया ठीक है हमारे पास ये चार साइज़ है तो आप फ़ोटोग्राफी भी वैसे करो कि आपकी क्रिएटिविटी वहाँ तक बॉन्ड हो जाती है जैसे ही आपको फ्लो मिल जाता है कि भाई जो कवर चाहिए वो ले लो जो कलर चाहिए वो ले लो जो जो एम्बॉसिंग चाहिए वो ले लो जो साइज़ चाहिए वो ले लो जो खाचा चाहिए वो ले लो ऐसे क्या होता है ना आपकी वहाँ पर क्रिएटिविटी एनहेंस हो गया ऐसे so, फोटोग्राफर आप डेवलप होते हो और जो क्लाइंट को आप देना चाहते हो शायद उस लेवल का आप जो है एक लेवल सोच एक लेवल ऊपर लेके सोच सकते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी बात भी है सो so, देखिए अभी तक हम लोगों ने काफ़ी बात की कि देखिए ये कवर रहेगा वगैरह ठीक है पर अभी मुझे आपने बताया था काफ़ी हद तक इस

अच्छा मतलब तो तो ब्लैक है क्रीम है मतलब सारे के सारे कलर्स अवेलेबल हैं इसमें जी बिल्कुल अच्छा ब्लू है मतलब और मैं कोई भी पैड कोई भी कवर सेलेक्ट कर सकती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से जी। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं ब्राउन हो गया ऑकर हो गया ग्रीन हो गया डार्क ऑकर हो गया तो ये सारे शेड्स यहाँ पर अवेलेबल है और सारे टेक्स्चर्स भी यहाँ पर रखे हैं तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख पा रहे हैं वो हम लोग जब पिंक भी है ये अच्छी बात है ये सारे कलर्स हम लोग को मिल जाएंगे पर अभी सपोज कि हमको आपको बोलना हो ऑनलाइन ही बोल देना हो कि ये सारे कल, कलर्स ये वाला कलर चाहिए तो कैसे बताने का ये चार्ट रहे रहे इसका चार्ट रहेगा ना इसका चार्ट भी रहेगा जो पीडीएफ कैटलॉग कवर्स की पीडीएफ है हाँ। उसमें ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं अच्छा तो मतलब ये सारे जितने भी आपने दिखाए उसकी एक पीडीएफ रहेगी हाँ, और वो पीडीएफ के अंदर ऐसे कलर्स के ये रहेंगे बट नंबर आप सिलेक्ट करो और ये सिलेक्ट कर लो जी, और फिर बताओ अगर किसी को लेदर का सैंपल चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे कुछ इसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट रहेगी अगर पूरा का पूरा अगर क्लाइंट को दिखाना हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए तो आप ये पूरा का पूरा ऑर्डर कर सकते हैं जी, जी, अच्छा तो एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे ये हार्ड हार्डवेयर बॉक्स है आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है इस चीज का पेन ड्राइव और हार्ड हार्डवेयर बॉक्स का तो ये बहुत अच्छा है मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क रह जाएगा और यहाँ पे पेन ड्राइव जी जी और यहाँ पे हमारा ये नाम लिखा हुआ मिल जाएगा फोटो भी चाहिए तो डाल सकते हैं फोटो भी ऐड हो जाएगी इसके अंदर तो तो यहाँ पे ऑलरेडी फोटो, पे है, फोटो है अच्छा नाइस ये एक अच्छा है क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं हार्ड डिस्क को अपना जो कार्डबोर्ड का बॉक्स जो मिलता है ना डब्लू डी की इसमें डाल के दे देते हैं तो उससे अच्छा ये दिखेगा ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखेगा पेन ड्राइव बॉक्स अच्छा ये पेन ड्राइव बॉक्स है और ये पेन ड्राइव हार्ड डिस्क दोनों के साथ का इसमें भी कस्टमाइज हो सकता है इसमें भी कलर चॉइस है

अच्छा अच्छा जी include packing और courier. और ये ये वाले इसका भी ये 200 रहता है 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 जो रखे हुए हमने वो 200 से ठीक वो ठीक में में हो जाए। इंडिया में हो जाएगा तो अभी तक हम लोग ने बात किया था सारे एल्बम्स के बारे में पर देखिए एल्बम का जो एक कवर है ना वो पहले स्टार्टिंग में इफेक्ट देता है कि वाह क्या कवर आया है क्या कवर कलर लिया है और मेन होता है अंदर की प्रिंटिंग

जो आप कैमरा में क्लिक करोगे फोटोज फोटोस से, हाँ. वो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एल्बम में एक्चुअली क्या देखिए आप दस साल पहले पंद्रह साल पहले जो फोटो पेपर की क्वालिटी चल रही थी हाँ. ठीक है और जो कैमरे की क्वालिटी तब थी और अब हाँ. जो कैमरे की क्वालिटी है बहुत फर्क आ गया है कैमरा से हाँ, ठीक है लेकिन आप जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वही सेम ले रहे हो जो दस साल पहले थे लेकिन अभी जो एटके हम दे रहे हैं इसमें क्या है कि जो आप कैमरा में अभी क्लिक कर रहे हो वो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अच्छा जी सो so, जिसको जिसको ये नहीं पता है ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है जब आप जो है एज अ फोटोग्राफ़र फ़ोटोग्राफी करते हो आप चेक करिएगा जब आप फ़ोटोशॉप में वो फोटोज को लेते हो आप वहाँ पे गवर्नमेंट वर्कमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको ये पता चलता है कि कौन से कलर्स प्रिंटेबल है कौन से कलर्स प्रिंटेबल नहीं है और जब हम लोग प्रिंट में एल्बम देते हैं एम श्योर बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसको अग्री करेंगे जैसे ही प्रिंट में हम लोग एल्बम देते हैं और जो फाइनल प्रिंट बाहर निकल के आता है उसमें क्या होता है कि कलर्स डिफरेंट होते हैं काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये पूछा है कि क्या करें जब हमारे जो कलर्स आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं प्रिंट में और जो हम लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो अलग होता है इसका एक आंसर होता है कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन करवाने के बाद भी हमें कुछ कलर्स उसमें नहीं मिलते हैं ठीक है और आप कह रहे हो कि इसमें हम लोग को वही कलर्स मिलेंगे जो कैमरा में है तो जो ब्राइट येल्लो जैसे ये वाला एक ब्राइट येल्लो कलर है ये वाला एक ब्राइट येलो कलर है और ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप ये पेज टर्न कर रहे हो नॉर्मल प्रिंटिंग है तो ब्राइट येलो अभी ब्राइट येलो नहीं रहा है ये थोड़ा सा दबा हुआ येलो हो गया देखो यहाँ पे कलर उभर के बाहर आ रहा है और यहाँ पे कलर दबा हुआ लग रहा है यहाँ पे इनकी स्किन देखो पूरी ही पिंकिश वाइटिश टोन आ रहा है ठीक है वाइट स्किन और पिंक टोन आ रहा है और जो हम लोग के लिए बड़ा नॉर्मल है देखने के लिए हम जब एल्बम प्रिंट करवाते हैं तो ऐसी ही प्रिंटिंग होती है और जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा से कैप्चर किया हुआ लग रहा है एकदम ही सुंदर लग रहा है राइट तो आप यहाँ पर देखो सारे कलर्स जैसे ब्राइट रेड है ज़्यादा रेड है ये ज़्यादा रेड इतना रेड नहीं मिलता है यूजुअली हम लोग को जो है ऐसा रेड आता है दबा हुआ रेड आ जाता है ये यूजुअली हम लोग तो ऐसा ही देखते हैं देखो ऐसे ही स्किन टोन आती है पर यही चीज़ यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है ओवर एक्सपोज ओवर एक्सपोज लग रहा है अंडर एक्सपोज अंडर एक्सपोज लग रहा है और ये उसमें क्या हो रहा था कि जो ओवर एक्सपोज था वो वाइट हो गया था और अंडर एक्सपोज रेडिश हो गया था तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मेरे को ये बताइए चलो आप तो मैं मान लूँ प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है पर ये एट के क्या है एट के नाम क्यों दिया है के में मैम मैं आपको बताता हूँ हमने इस पर तीन से चार साल पहले रिसर्च किया है इसको जो इसका सिंगल सिंगल कलर है येलो है ब्लैक है ब्लू है तो वो मिस मैच होते थे कि जो पहले की क्वालिटी थी उसमें हाँ, कलर डल हो जाते थे हाँ, है ना जो रेड है वो रेड रही वो रेड डल होकर मैरून बन जाता था हाँ, तो वो जो इसकी रिसर्च थी कलर्स की उसको रिसर्च करके इसको डेवलप किया हमने प्रिंटिंग को ठीक है पहले जो क्वालिटी चलती थी फोर के चलती थी एच डी चलती थी है ना तो उसके बाद इसका भी जो

Comparatively वही है है। और main बात ये ये में कहीं से से भी नहीं नहीं मिलेगी। आप अच्छा आप सिर्फ एक या दस शीट, एक या मतलब मतलब करवा लो। हाँ आप किसी करवाओगे मेरा है। अच्छा। बिल्कुल। तो उतनी अच्छी यही दिख रहा है जो येलो है वो कितना अच्छा येलो लग रहा है इसमें। और तुरंत पता चल जाता है क्योंकि हमारे में ऐसी थोड़ी सी पिंक है थोड़ा सा येलो है थोड़ा सा ऐसा है और इसमें आप देखो ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा से कैप्चर किया हुआ डायरेक्ट यहाँ पे पे आ गया जिसको अगर किसी जो को चेक करना बहुत हार्ड है बिल्कुल अगर किसी को चेक भी करना है की भाई हाँ। ये क्या चीज है तो वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में जिस भी लैब का वो उसको लगता है कि सबसे अच्छा प्रिंट है हाँ। वो हमारे प्रिंट के साथ मैच करके चेक कर सकता है तो आपका प्रिंट जीत जाएगा आपने ये ट्रायल किया हुआ बिल्कुल 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 मैम बहुत फोटोग्राफर चेक कर चुके हैं अच्छा सो so, अभी देखो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ना ये वाली प्रिंटिंग देखो यहाँ पे पूरा ना वार्म टोन है जो हमारे कैमरा से जो टोन आता है ना शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्रिंटेड है इसके लिए और उसके कंपैरिजन में प्रिंटेड जो हमारे रहते हैं वो वाले ठीक है और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ऐसा सेट किया है पर देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ आपने यहाँ पे सैंपल रखा है इसीलिए आप तो ऐसा ही रखोगे ऐसा ही सामने वाले को लगेगा कि ठीक है बिफ़ोर आफ्टर एक बार तो एस, एक जन ने ऐसा किया था खुद से थोड़ा सी टोन ही चेंज कर दी कि लगे कि अच्छा प्रिंटर वालों ने बहुत ही नया कुछ किया है इसके लिए तो मैं आपको अभी कुछ दो चार प्रिंट देती हूँ करने के लिए जो एल्बम इनको नहीं पता है कि मैंने वहाँ पे करवा दिया है ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी टाइम से वहाँ पे सैंपल एल्बम क्रिएट करके रखी हुई है जो भी क्लाइंट हमारे पास ऐसा वाइदव अगर आपके पास कोई सैंपल एल्बम नहीं है क्लाइंट को दिखाने के लिए तो भी गलत है एज अ फोटोग्राफर एक एल्बम रखा करो कि क्लाइंट आए तो उनको आप एल्बम दिखाओ अब वो चीज़ मैंने वहाँ पर स्टूडियो पर की है मैं यहाँ पे लुधियाना में हूँ उन्होंने वो प्रिंट नहीं देखी है बट मैं आपको कुछ पाँच छः प्रिंट्स दे रही हूँ वो मुझे प्रिंट करके दिखाना और हम जैसे ही मुंबई पहुँचेंगे सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे कि क्या ऐसा ही कम्पेरिजन है या नहीं आपको सही में लगता है कि बहुत डिफरेंस होगा मतलब ऐसा ही डिफरेंस आएगा बिल्कुल मैम आप एक बार सिर्फ ट्राई करो हाँ मैं इतनी श्योरटी देता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम किसी और लैब से प्रिंट नहीं करवाओगे अच्छा ये तो आप भी आपने मैट और ग्लॉसी दिखाया पर सभी लोगों के बहुत सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं आजकल कितने प्रकार के पेपर आ चुके हैं उसमें आपके पास, कोई है। मेरे पास और वैरायटी है ये आप एट के ग्लॉस देख रहे हो हाँ। ये देखिये अच्छा ये कौन सा है?

तो ये आपको कैसे पता डिसाइड करना है अगर कभी किसी किसी ने बहुत ज्यादा गोल्ड पहना है तो गोल्ड सेलेक्ट करो सिल्वर ज्यादा पहना है तो सिल्वर जैसे कि कपड़े देखो यहाँ पे सब लोग सिल्वर पहना हो इसीलिए आप सिलेक्ट बिल्कुल ये क्लाइंट की डिमांड होती है अगर वो बोलेगा कि मेरे को सिल्वर नहीं चाहिए ओनली गोल्ड चाहिए हाँ, तो वैसा हो जाएगा अगर ओनली फोटोग्राफर के दिमाग पे होता है कि उसको कौन सा चाहिए रहेगा कि भाई उसको उसको समझना चाहिए कि भाई उसके पास अगर फोटोग्राफर के पास ऐसा काम है जहाँ पे उसे सिल्वर ज्यादा पहना है तो सिल्वर सिलेक्ट करें

फोटोग्राफर yeah, आपको देखना चाहिए कि ऐसा रेड को कभी नहीं मिलता है हमारा रेड थोड़ा इतना दबा हुआ रहता है ये देखो ये मुझे देखो बहुत अच्छा लगा ये ऑरेंज कितना प्योर ऑरेंज है एकदम प्योर ऑरेंज है इसके सारे ऑरेंज के सारे ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं जो कभी भी हम लोग को हमारे इसमें नहीं दिखते हैं पिंक है ये पेपर। हाँ। आपको इसको आएगा थोड़ा, ग्लिटर। ग्लिटर तो थोड़ा चमक है जी बिल्कुल कलर्स आप कि सब में कलर्स अच्छे रॉयल कलर आते हैं इसमें रिच आती है, रिच ने रिच है, कलर्स है। तो यूजुअली यही रहता है कि कितना भी अब लोग काफी लोग बोलते हैं ना कि स्क्रीन में देखना अच्छा लगता है पेपर में देखना इतना अच्छा नहीं लगता है पर आपने वो आपका इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मेरे को एक अभी भी आपको एक क्वेश्चन है एज़ अ फोटोग्राफर मेरे मन में अभी भी है देखो जहाँ पे मैं प्रिंटिंग करवाती हूँ आई श्योर आई एम श्योर बहुत सारे फोटोग्राफर्स इससे अग्री करेंगे बहुत टाइम से वहाँ पे प्रिंटिंग ये तो मेरा फैमिली बिजनेस है तो हम तो दस साल से एक ही प्रिंटर को पकड़ के बैठे हैं किसी को प्रिंटिंग चेंज करवाई नहीं हम लोग ने हाँ कस्टमाइजेशन ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है पर आप बोल रहे हो कि यू you नो know, आपके पास ये सारा है तो मुझे अट्रैक्टिव तो लगा पर एक मैं रहती हूँ मुंबई आप रहते हो लुधियाना तो एक होती है कन्वीनियंस की बात मैं आपको बताता हूँ ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फोटोग्राफर्स एक बार सिर्फ एक, एक एल्बम सिंगल एल्बम प्रिंट करवाएं नेक्स्ट टाइम उसके बाद अगर उनकी सेटिस्फेक्शन होगी तब वो मेरे से एल्बम प्रिंट करवाएं नहीं तो अदरवाइज जो लोकल लैब्स हैं जहाँ से वो करवा रहे हैं वो करवाए लेकिन एक चांस जरूर लेके देखें तो मेन जो है एट के प्रिंट का डिलीवरी जो रहेगी वो टाइम टू तो टाइम बिल्कुल मिलेगी हाँ एक आधा या दो दिन का देखिए आप मुंबई से लुधियाना भेज रहे हो है ना मुंबई में लोकल आपको दो या तीन दिन में मिल जाता होगा ठीक है लुधियाना भेज तो दो तो या तीन दिन एक्स्ट्रा जरूर लगेगा वो जो कुरियर का रहेगा ठीक है, हाँ, है? हाँ. उसके अलावा आपको प्राइस के लिए या क्वालिटी के लिए है ना वो कोई कंप्लेंट नहीं आपको आएगी और ना कोई आपको ये लगेगा कि मैं बहुत महंगा करवा रहा हूँ के प्रिंट लेकिन जो आप क्वालिटी ले रहे हो और रेट देखोगे तो वो कोई ज्यादा फर्क नहीं क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर आप रेट देखोगे तो आप ऐसा गारंटी ले रहे हो कि एक बार हम आपके पास आएंगे बिल्कुल

ठीक है आई होप काफ़ी लोग जो है इसको ट्राई कर सके पर देखो आप जो अभी कॉन्फिडेंस से इतना कह रहे हो ना वो एट के प्रिंटिंग के लिए है ना जी। सारा एट के में जो आप प्रिंटिंग कराओगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा पर अगर आप नॉर्मल प्रिंटरिंग की बात ले लो क्योंकि काफ़ी बार इतना बजट भी नहीं होता है एट के तक का और ऐसा भी रहता है कि चलेगा हम लोग को थोड़ा सस्ता वाला तो आप वो ऑफ़र करते हो कि वो नहीं करते हो नहीं वो भी हमारे पास जो इंडिगो फोटो बुक बनता है मेरे पास हाँ बिल्कुल रेगुलर ग्लॉस सिल्क में है में है हैवी में में है, तो उसमें भी सेम रेंज मेरे पास है लोअर बजट से लेके हाई एंड तक है अच्छा हाँ अगर फोटो बुक भी किसी को पसंद है कि मैं फोटो बुक ही बनवाता हूँ भैया मैं ले हाँ। फ्लैट नहीं बनवाता हाँ। तो उसमें भी मेरे पास कम से कम चालीस से पैतालीस टाइप के ऑप्शन है शीट्स के जो काफी डिफरेंट है एट के लिए लेकिन सेवन कलर जो फोटो बुक की प्रिंटिंग है उसमें भी चैलेंज मैं पूरा ये कर सकता हूँ की प्रिंटिंग उसमें भी आपको अच्छी मिलेगी अच्छा जी बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं की वो थोड़ा कम डिफरेंट होगी हाँ जो आप करवा रहे हो रेगुलर हाँ। अभी जो करवा रहे हो हाँ। कंटिन्यू जो आप कर रहे हो जिससे काम हाँ। ठीक है ना उससे डिफरेंट मिलेगी आपको क्वालिटी और एक बात ये भी है कि कि सपोज मैंने आपको एल्बम भेजा अगर कहीं मेरे से गलती हो गई कि साइज कभी छोटी बड़ी हो गई या ऐसा कुछ रहेगा या आ, कुछ अलग आपको जो पॉइंट चाहिए थे या आपको जो टेक्स्ट चाहिए था वो गलत होगा वट तो आपके वहाँ से कोई रहेगा हेल्प करने के लिए हमारी स्टार्टिंग से फर्स्ट होता है कि बुकिंग जब होगी आफ्टर बुकिंग पहले करेक्शन होगी कलर करेक्शन हाँ हर एक एल्बम जितनी एल्बम बुक होगी चाहे वो सस्ती है चाहे वो महंगी है कलर करेक्शन हाँ। हर एक एल्बम की होनी है अगर मुझे पूरी नहीं चाहिए कि आप कलर करेक्ट करो ऐसा भी हो सकता तो है तो हाँ ऐसे भी होता है क्लाइंट बोलता है कि मैंने भैया जो सीसी फाइनल करके भेजा है सिर्फ आप उसको डायरेक्ट प्रिंटिंग पे लगा दो हम सिर्फ उसका फिर पीडीएफ करेंगे कि जो आपने बात की है कि साइज वगैरह कोई बड़ा छोटा तो नहीं है फिर वो चेक होगा सारा उसका सीक्वेंस बिल्कुल सही है ठीक है तो शीट जैसे बारह छत्तीस के एल्बम है कोई एक आध डिजाइन बीच में बारह तीस का तो नहीं है वो चेक करेंगे अगर कोई शीट करप्ट है तो वो क्लाइंट को कॉल करेंगे उसको वो शीट दोबारा भेजेगा हमारे को वो ऐड करके फिर प्रिंटिंग होगी मतलब बिल्कुल उसके बाद प्रिंटिंग होने के बाद भी क्वालिटी वाले लड़के बैठे जो एल्बम पूरा चेक करते हैं की कहीं में कोई स्लोर तो नहीं है कोई डस्ट तो नहीं आ गया कहीं या स्पोर्ट तो नहीं आ गया कहीं कुछ प्रिंटिंग का या लेमिनेशन का वो सारा बिल्कुल क्लीन करके करके पूरा बिल्कुल अच्छी पैकिंग करके, फिर हम हो तो आपका आपका ये आप यहाँ पे यही है एक है, आपको और भी है, हमको देखना है. एक ऑफिस कुछ सामने भी शोरूम है जहाँ पे सारा ऑपरेशन चलता है बुकिंग का करेक्शन का पीडीएफ का बाइंडिंग का वो मैं एक बार आपको विजिट करवा देता हूँ ठीक है चलिए

क्वालिटी जो है अच्छा। जो आज से पांच साल सात साल पहले चलती थी अभी भी चलती है ये हाँ, ले, हाँ लेकिन ये एटकेटके ये तो बिल्कुल और इसके साथ हम अगर किसी कस्टमर ने कस्टमिक फ्रेम बनवाने हैं वो भी हमारे पास मतलब डिफरेंट शेप में बन जाएगा राउंड ट्रैंगल जी बिल्कुल ये आ गया सारा जो पीडीएफ एंड करेक्शन होती है इधर अच्छा अच्छा जी

एज़ यू कैन सी कि ये हम लोग ने एज अ आल्बम यहाँ पे प्रिंट करके रखा हुआ है एंड इसकी जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग है ठीक है और इसकी आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग देख लो उसमें बहुत फ़र्क है इसमें जो है आपको प्रॉपर नेचुरल जो ब्लैक एंड वाइट है बाई द वे जो दुलारी के वहाँ से हम लोग को एलबम आया था वो है एंड इफ़ यू कम्पेयर ये जो है थोड़ा सा आपको ना ग्रीन टोन मिलेगा और ये हमेशा से हमारा कंप्लेन हुआ करता था कि ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट स्लाइटली ग्रीन रहता है नामश्योर आपको भी होता रहेगा वो, वो इश्यू और यहाँ पे जो है ये ब्लैक एंड वाइट प्योर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है सो तो ये मुझे फ़र्क दिखा यहाँ पर जो है अगर आप रेड देखोगे और यहाँ का जो आप रेड देखोगे तो ये रेड थोड़ा सा डार्क मरून रेड और ऑरेंजिश और रेड हुआ करता है और इसका जो रेड है अगर आप कंपेयर करिए ये देखिए और जैसे ही आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो ये ब्लाइट ब्रा, ब्राइट ब्लड रेड हो रहा था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है राइट ऐसा ब्राइट ब्लड रेड नहीं मिलता था और यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है दबा हुआ रेड मिल रहा है इवन उसकी जो लिपस्टिक का शेड है और उसका जो चेहरा है इसका जो स्किन टोन है वो एकदम ही नेचुरल स्किन टोन है इसका लिप का कलर देखिए और जैसे ही मैं यहाँ पे जाती हूँ थोड़ा सा गोल्डन टोन और ये जो शेड है वो भी चेंज हो गया है सो आई गेस उस हिसाब से ये एट के प्रिंटिंग काफ़ी ही अच्छी लगी मुझे अगर आप दोनों का डिफरेंस देखो तो कंसिडरेबल डिफरेंस दिख रहा है एंड एट द सेम टाइम ये वाली जो प्रिंटिंग है इसमें बहुत सारे रंग है येलो ग्रीन वगैरह ये सारे रंग है और यही सारी अगर मैं वहाँ पे प्रिंटिंग खोलूँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो प्रिंट है ये जो है थोड़ा सा डार्क ब्लू दिख रहा है आपको एकदम ही ब्लैकिश ब्लू लग रहा है आपको यहाँ पे और यही चीज़ यहाँ पे प्योर ब्लू लग रहा है सो ये एज अ क्लाइंट जो है मुझे भी ऐसा लगेगा कि भाई मेरा कुर्ता ब्लैकिश रंग का है नहीं था मेरा रंग ब्लू था और आप देखो ये मेजर डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है ये तो आप जो है यूट्यूब पे एज अ वीडियो देख रहे हो बट मैंने ये चीज़ अब अपने सामने देख रही हो तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस समझ में भी आ रहा है ये ब्लैकिश है और ये ब्लूइश है कितना फ़र्क है ये दोनों में देख लो राइट और जो रंग है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो येल्लोइ का जो रंग है वो भी काफ़ी ब्राइट है ऑरेंज ब्राइट है ग्रीन भी अच्छा खासा नेचुरल कलर्स जो हमको दिखते हैं वो सारे नियोनिश कलर्स भी यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं जो यहाँ पे हमारी जो खुद की प्रिंट है उसमें मर चुका है ये कलर्स देखिए और यहाँ के कलर्स देखिए मुझे तो कंसिडरेबल डिफरेंस दिख रहा है दोनों में सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द प्रिंटिंग प्रोसेस और जिस हिसाब से सारे कलर टोन्स वगैरह आ रहे हैं वो भी काफ़ी नेचुरल वगैरह है सो वेरी नाइस うん。